सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। विद्यार्थियों, हम जो गृह विज्ञान का लेसन नंबर 14 पढ़ रहे थे, संसाधनों का परिचय, हमने संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ा, संसाधनों के प्रयोग के बारे में पढ़ा, और अब हम संसाधनों के जो प्रबंधन की प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रबंधन क्या है, किसे प्रबंधन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया, उसके चरण क्या क्या होते हैं। तो मैंने बताया प्रबंधन यानी एक तरह से योजना बनाना। तो योजना बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कुछ चरण फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। मान लीजिए कि आपके परिवार को एक रिश्तेदार की शादी में जाना है, आपके माता व पिता को इसके लिए कार्यक्रम तैयार करना है, वे कौन कौन से कार्य काम करेंगे। तो एक शादी का प्रोग्राम है जिसमें जाना है, तो आपके माता पिता को उसमें कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार होना है। तो उसके लिए अपन उनको कुछ घर में ही कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ कार्य उनको पहले करने पड़ेंगे, जैसे कि किए जाने वाले सभी कार्य की सूची तैयार करना। तो शादी में जाने के लिए उनको क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे उसकी उनको सूची तैयार करनी पड़ेगी। योजना बनाना कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा और कब करेगा। तो योजना ही बनाना है कि जो भी सूची तैयार की है कार्यों की, उसमें कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा। इस सफ़र के लिए धन की व्यवस्था, और जो सफ़र करना है उनको, जहाँ पर उनको जाना है उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। दूल्हे के लिए उपहार खरीदने की योजना बनाना, तो जो दूल्हा है जिसकी शादी है उसके लिए उपहार खरीदना है, नए कपड़े खरीदना और सिलवाना। इस सफ़र के दिनों की संख्या का निर्धारण करना, यानी जो सफ़र के दिन है उनकी संख्या का निर्धारण करना है ताकि वो आराम से वहाँ पर पहुँच पाए। बस या रेल की टिकट खरीदना कि वो बस से जाएंगे या रेल से जाएगी, उस हिसाब से उनको उनकी टिकट भी खरीदनी पड़ेगी। पिताजी तथा माताजी अपने कार्यालय में अवकाश का आवेदन करेंगे। अगर वो कामकाजी है तो उनको अपने जो पिताजी और माताजी है उनको अपने कार्यालय के अंदर जो वहाँ भी वो काम करते हैं उनको अवकाश के लिए आवेदन भी देना पड़ेगा, यानी छुट्टी लेनी पड़ेगी। समय समय पर योजना की समीक्षा करेंगे और जो कार्य उन्होंने वहाँ जो पहुँचने से पहले और शादी में जाने से पहले जो जो भी कार्य उन्होंने जो लिस्ट बनाई कि हमें वहाँ पहुँचने से पहले हम ये कार्य तैयार कर लेने, यानी छुट्टी ले लेनी है, हमें कपड़े सिलके तैयार करने हैं, या फिर हमें उपहार खरीदना है, हमें नए कपड़े सिलने हैं, हमें छुट्टी की संख्या का, छुट्टी के दिनों की संख्या का निर्धारण करना है, और जो भी बस का या रेल का टिकट जो भी उनकी सुविधाजनक होगा वो उनको लेना है। तो ये सभी चीज़ें उनको पहले ही कर लेनी है और उस कार्य को पूरा जो हो चुका है वो कार्य उसकी उनको समीक्षा करना, यानी कि क्या क्या काम उन्होंने पूरा कर लिया है। यहाँ परिवार में कुछ गतिविधियों की योजना तैयार की है। तो इस परिवार ने क्या किया, जो भी गतिविधि ऊपर करनी है जो अपन अभी पढ़ी है उसकी उन्होंने योजना तैयार, गतिविधियों की कुछ योजना तैयार की है। जबकि रिश्तेदारों की शादी में शामिल होना एकमात्र लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है कि उनको रिश्तेदार की शादी में शामिल होना है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनको कुछ योजनाएँ पहले से बनानी होगी जिसे आपके परिवार को पूरा करना है। हमारा लक्ष्य है कि परिवार शादी में शामिल हो और उसका आनंद उठा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वह है धन, समय, ऊर्जा और परिवार के सदस्य, जो कि वह कार्य करेंगे जो उन्हें करने का कहा गया है। अब इसमें जो संसाधन क्या क्या हुए, धन है, समय है, यानी कि टिकट लेना है, वहाँ तक पहुँचने उनको धन भी चाहिएगा, उनको समय भी चाहिएगा शादी में शामिल होने के लिए, उनको ऊर्जा यानी उनके शरीर में ताकत वगैरह भी चाहिए, अगर वो बीमार है उनकी हिम्मत नहीं है तो कैसे जा पाएंगे। परिवार के सदस्य, जो भी परिवार के सदस्य जा रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार जो भी ऊपर कार्य अपने बनाए अभी बताए हैं वो उनकी योग्यता के अनुसार उनको बांटा जाएगा। जैसे कि कपड़े खरीदना है तो कपड़े खरीदना हो सकता है, उनकी मम्मी बहुत ही अच्छे कपड़े खरीद सकती है, उनको कपड़े खरीदने का नॉलेज है तो वो कपड़े खरीदने का कार्य उनको दिया जाएगा। बस और ट्रेन की टिकट करने में हो सकता है उनका कोई बेटा हो घर में जो इस कार्य के अंदर माहिर है, यानी वो उस कार्य को आसानी से कर सकता है, तो वो कार्य उनको सौंपा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने अपने कार्य को उनमें बांटा जाएगा। माता पिता टिकटों को खरीदने के लिए धन का उपयोग करेंगे, और जो धन का उपयोग है जैसे कि माता पिता जो है वो टिकट को खरीदने के लिए धन का उपयोग करेंगे। माता पिता इस दौरे के बारे में सोचने तथा इसके प्रबंधन के लिए अपने समय और ज्ञान का उपयोग करते हैं। आपका भाई और आप कपड़े तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करके करने में पैक करने का काम करेंगे कि आपका भाई है, यानी कि ये चीज़ें आपके ऊपर लेके वो एक योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि आपका भाई और आप है वो कपड़े तथा अन्य वस्तुओं को इकट्ठा करने वे पैक करने का काम कर रहे हैं। आप और आपका भाई शादी में पहने जाने वाले कपड़ों को सिलाने के लिए अपने कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, यानी उनको जिसको जो जिस कार्य का नॉलेज है वो कार्य उन्हीं को सौंपा जाएगा। प्रबंधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के नियंत्रण संगठन की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर प्रबंधन की परिभाषा दे रखी है कि प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के, जो उपलब्ध संसाधन जैसे कि धन है, समय है, ऊर्जा है, उनको नियंत्रण और संगठित करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार इस दौरे को सफल बनाने के लिए परिवार के सभी सदस्य इन गतिविधियों के प्रबंधन का प्रयास कर रहे हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि प्रबंधन क्या है।
तो बता सकते हो कि प्रबंधन क्या है। तो इसको इस तरह से बांटा गया है कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तो क्या कहलाया, लक्ष्य, यानी जो हमें, जो हमारी इच्छा है, जिसका जो हमारा उद्देश्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, लक्ष्य। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने हैं तो क्या करेंगे, आपके पास जो भी उपलब्ध साधन है ना, तो उनका प्रयोग करोगे, ठीक है। और प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रबंधन है तो जो प्रयोग करके, यानी कि आपके पास जो उपलब्ध साधन है उसका प्रयोग करके आप प्रबंधन है तो उसी को प्रबंधन कहते हैं, यानी उस संसाधनों का प्रयोग करोगे आप तो जिस उस संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जिसको जितनी जिस चीज़ की आवश्यकता है उस कार्य उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो योजना उसमें बनाई जाएगी, वो गतिविधि उसमें रखी जाएगी, जो गतिविधि को उनको पूरा कर सकता है उनको वो किया जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण से अपन इसको समझते हैं, जैसे कि मान लो आपके घर में खुद के घर में कोई शादी है, मान लो आपकी बड़ी सिस्टर की शादी है, ठीक है। तो शादी है तो शादी के लिए आप क्या करोगे, लक्ष्य क्या है, शादी का कार्यक्रम को संपूर्ण करना है, ये मान लो ये लक्ष्य है कि आपके घर में बड़ी सिस्टर की शादी है तो उसके शादी को लक्ष्य को पूरा करना है, तो ये तो हो गया लक्ष्य। अब उसके लिए संसाधन क्या है कि उसके लिए है ना कपड़े खरीदना है, उसके लिए दहेज की व्यवस्था करना है, ठीक है, और है ना बारातियों का स्वागत करना है, भोजन की व्यवस्था करना है, तो ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, तो इसके लिए क्या चाहिएगा, धन चाहिएगा, समय चाहिएगा, कौशल चाहिएगा, यानी कौशल यानी कि मान लो हो सकता है कि आपके घर में कोई आपके पिताजी ऐसे हैं जो धन का प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं, आपकी माता या आपके घर में कोई चाचा ताऊ ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से हलवाई का प्रबंधन कर सकते हैं, उनको अच्छा नॉलेज है कौन सा हलवाई किस तरह से अच्छा खाना बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके घर में कोई बुजुर्ग दादाजी है, दादी जी है, उनको प्रबंधन का पूरा, उनको दूसरी चीज़ें पता है कि हाँ घर में शादी ब्याह होती है तो हमें किस किस तरह से बारातियों का स्वागत करना होता है ना, क्या क्या हमें रीति रिवाज निभाने होते हैं, तो वो उनको उस चीज़ का नॉलेज है। तो क्या करोगे कि पहले आप उस चीज़ की योजना बनाओगे, यानी जो जो गतिविधियाँ आप करने जा रहे हो शादी के अंदर उनकी क्या बनाओगे, एक योजना बनाओगे, जैसे कि कपड़े लाना है, दहेज लाना है ना, या फर्नीचर की व्यवस्था करवाना है, ठीक है, हॉल बुक करवाना है, या फिर है ना उसके लिए खाने के प्रबंधन करवाने, यानी हलवाई का प्रबंधन करना है, बरातियों का स्वागत करना है, ठीक है, विदाई है, गहने हैं, जो भी चीज़ है वो सारी उन्होंने एक योजना बनाई। अब उस योजना बनाने के लिए कि ये कार्य उसमें उस शादी में हो गए, तो योजना उन्होंने बना ली, एक गतिविधि उन्होंने निकाली। अब जो गतिविधि है उनको करने के लिए साधन चाहिए, यानी हमें धन भी चाहिएगा, हमें परिवहन के साधन की व्यवस्था भी चाहिएगी, और साथ में हमें कौशल भी चाहिएगा, हमारे पास समय भी होना चाहिए, हमारे पास ऊर्जा भी होनी चाहिए, और साथ में जो उस कार्य को कर सकता है, जिसमें इस कार्य को करने का कौशल है, उस व्यक्ति की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें किस में शामिल हुए, प्रबंधन के अंदर शामिल हुए, ठीक है। तो अब हम इसके एक अच्छे से चरण को देखते हैं, तो आप इस चीज़ से उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम एक चरण देखते हैं कि प्रबंधन प्रक्रिया के चरण, यानी ये बहुत ही आसान है, आराम से आपको इसको अपने ऊपर ही लागू करके देखना है कि हाँ हमारे घर में ये कार्य है तो हम खुद कैसे करते हैं, और सब करते हैं इस कार्य को, ठीक है। अब है प्रबंधन के चरण। शादी में शामिल होने के लिए आपके माता पिता न केवल योजना बना रहे हैं बल्कि और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वे संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं के अनुसार कार्यों को सौंप रहे हैं। तो संसाधनों की उपलब्धता देखते हैं कि जो समय है, धन है, ऊर्जा है, कौशल है ना, उनमें क्या क्या उनके पास उपलब्ध है, क्या उनमें उनके पास उपलब्ध नहीं है, और साथ में ही तो उनको कार्यों के अनुसार सौंप रहे तथा योजना में परिवर्तन कर रहे हैं। योजना में परिवर्तन करना कि ऐसे कि जो भी कार्य जो कर सकता है उनको वो सौंप रहे हैं। हो सकता है कोई इस कार्य को कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा तो उसको दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया, ठीक है, तो वो योजना में कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि योजना जो बना दी, जो आपने लिख दिया वही होना चाहिए, भाई हाँ अभी दहेज का प्रबंधन तो आपको, या फिर है ना फर्नीचर का प्रबंधन या खाने का प्रबंधन जो है आपको अपने बड़े पापा को ही करना, ऐसा नहीं है। अगर वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है किसी और को कार्य सौंपा जाए, है ना, जो उसमें जानकार है। तो इस तरह से आप उस अपनी योजना में लचीलापन भी रख सकते हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंधन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल बैठना तथा योजना बनाना नहीं है, प्रबंधन की प्रक्रिया ये सोचने से आरंभ होती है कि आपको क्या करना है और यह आपकी योजना है। तत्पश्चात आपको देखना होता है कि आपको अपनी योजना को लागू करने के लिए आवश्यक जरूरी साधन उपलब्ध है या नहीं। आप यह भी निर्णय लेते हैं कि किसे क्या और कैसे करना है। तो हम सब करते हैं घर में कि किसको क्या क्या काम करना है, किसको कैसे करना है, ये भी हम निर्णय लेते हैं। अन्य शब्दों में आप गतिविधियों का संगठन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, गतिविधियों का संगठन करना, यानी गतिविधियों को एकत्रित करना कि क्या क्या काम आपको करने हैं, वो सारे की योजना बना के इकट्ठा करना होता है। इसके पश्चात आप वास्तविक कार्य करते हैं। तो जो भी कार्य होता है वो क्या होता है, फिर वास्तविक कार्य यानी गतिविधियों का संगठन किया, जो जो भी काम आपको करना है उसका आपने संगठन किया, और फिर आपने क्या किया उसका, तत्पश्चात आपने वास्तविक कार्य करना, जो कार्य आपको करना है उसको करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
आप अपनी योजना पर कार्रवाई करते हैं या उसका क्रियान्वयन करते हैं, यानी जो योजना आपने, जो संगठित कार्य आपने किया है उस पर आप उस कार्य को करना स्टार्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं उसके ऊपर क्रियान्वयन यानी कि उस कार्य को करना शुरू करते हैं। एक बार कार्य पूरा हो जाने के पश्चात आप देखते हैं कि क्या सभी कार्य योजना के अनुसार चल रहे हैं और योजना में क्या गलत है, यानी कि जो योजना आपने बनाई, जो गतिविधियाँ आपने बनाई वो तो किस में शामिल हुआ, उसको आपने क्या कहा, संगठन कहा, ठीक है। अब उस संगठन, जो गतिविधियाँ आपने बनाई उसको संगठन कहा जाएगा, और फिर उस गतिविधि को जो आपने वास्तव में करना स्टार्ट किया तो वो क्या कहलाया, क्रियान्वयन कहलाया, ठीक है। अब उस गतिविधि को करने पर, उस कार्य को करने पर आपको पता चला कि उसमें क्या गलतियां हैं, उस योजना में क्या कमियां हैं और हमसे क्या गलतियां हो रही है, या दूसरे शब्दों में आप उस कार्य का क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हैं। यानी जो कार्य, मान लो आपने जैसे कि फर्नीचर लाने का कार्य या फिर आपने हलवाई के प्रबंध का कार्य अगर आपने बड़े पापा को सौंपा लेकिन उस कार्य को वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उसका क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, नहीं नहीं ये तो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उस कार्य को फिर किसी और को दोगे। तो ये क्या कहलाया, एक तरह से मूल्यांकन कहलाया, यानी उस कार्य को अगर वो नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ गलतियाँ हो रही है, वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है और निर्णय लेते हैं कि अगली बार क्या परिवर्तन करने हैं। ये सभी प्रबंधन के चरण हैं। इस प्रकार प्रबंधन के चार चरण निम्नलिखित है। पहला है नियोजन, यानी कि प्लानिंग बनाना, यानी किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनानी होती है, ठीक है। फिर संगठन, यानी उस गतिविधियों को इकट्ठा करना कि क्या क्या कार्य उसमें किया जाएगा। फिर ये क्रियान्वयन, यानी कि वास्तव में जो गतिविधि आपने लिखी है, जो योजना आपने बनाई उसको फिर कार्य रूप में परिणित करना, यानी कार्य उसमें करना शुरू करना। फिर है मूल्यांकन, यानी कार्य करते हुए ही आपको मूल्यांकन करना होगा, यानी कि कार्य करने के बाद ही पता चलेगा कि उस कार्य में क्या गलतियां हैं और क्या सही है। योजना को लागू किए जाने के तरीकों व साधनों को संगठित किए जाने के पश्चात नियोजन किया जाना होता है, यानी कि योजना के कार्य को जो करने के जो तरीके हैं और जो संसाधन है, उन संसाधनों को आपने इकट्ठा किया, जैसे कि इस तरह से प्रबंधन के चरण क्या हुए, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। योजना को लागू किए जाने के तरीकों व साधनों को संगठित किए जाने के पश्चात नियोजन किया जाना होता है। नियोजन किए जाने के पश्चात योजना को क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन यानी कि नियोजन किया, फिर उसको आपने उस कार्य को करना शुरू किया, और उसके बाद में मूल्यांकन का कार्य, यानी फिर क्या किया, मूल्यांकन का कार्य अंत में तथा योजना में क्रियान्वयन के दौरान किया जाता है। तो मूल्यांकन का कार्य आप अंत में भी कर सकते हो और कार्य के दौरान भी कर सकते हो। अगर उस कार्य के अंदर कुछ गलतियाँ होती रही है तो साथ साथ आप उसको सुधार भी सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा तो आप लास्ट में भी उसका मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ इस कार्य में ये गलतियाँ हुई थी, जो आगे हम अगर इस तरह का कार्य हम कुछ करते हैं तो उसमें ये गलतियाँ दोबारा ना हो। आप देख सकते हैं कि जब तक आप अपने संसाधनों को संगठित नहीं करते, आप योजना से संबंधित गतिविधि को आरंभ नहीं कर सकते। यानी कि जो भी संसाधन है, यानी जो मान लो शादी का प्रोग्राम था, तो आपके संसाधन क्या थे, धन है, कौशल है, समय है, ऊर्जा है, इन संसाधनों को जब तक आप इकट्ठा नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप अपनी योजना को पूरा नहीं कर सकते। तो आपने योजना संबंधी गतिविधियों को आप आरंभ नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन नहीं करते, तब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलता। तो जो भी गतिविधि आप कर रहे हो, यानी कि शादी का कार्यक्रम था, उसमें क्या है, आपने एक योजना बनाई कि हमें ये कार्य करना है, हमें फर्नीचर खरीदना है, हमें हलवाई करना है, हमें बारात का जो है स्वागत करना है, यानी सारे स्टेप आपने लिख लिए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, आपने एक योजना बनाई है ना। अब योजना क्या करोगे, उसके लिए संसाधनों का क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, यानी धन चाहिए आपको, समय चाहिए, कौशल चाहिए, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति भी चाहिए। तो ये सारे क्या हो गए, संगठन हो गए, यानी संसाधन हो गए, संसाधनों को आपने इकट्ठा किया, ठीक है। जब तक संसाधन नहीं हो गए, यानी आपके पास धन ही नहीं होगा, तो आप हलवाई कैसे करोगे, आप वस्तुओं को कैसे खरीदोगे या कपड़े कैसे खरीदोगे। तो आपने क्या किया, उस गतिविधि को करने के लिए आपको जो भी संबंधित गतिविधि को करने के लिए आपको ये संसाधनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब जब आप उस गतिविधि को करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें क्या कमियां रही है। तो ये क्या कहलाया, मूल्यांकन कहलाता है। और ये मूल्यांकन आप गतिविधि को करते हुए भी कर सकते हो, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हो, साथ में ये मूल्यांकन कार्य होने के बाद में भी आप बैठ के करते हो। होता है ना, घर में कभी शादी होती है तो लास्ट के अंदर जब लोग बैठते हैं शादी कंप्लीट होने पर, हाँ क्या क्या कमी रह गई है ना, कि ये काम तो हमारा हुआ ही नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए, तो ये और भी अच्छा होता, ठीक है, चलो अगली बार छोटे की शादी होगी तो उस तरह से हम उसमें ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है कि इस गलतियों को आप फिर पता चलता है, इस गलती को अगले कार्यक्रम में आप उस गलती से बचते हैं। इस प्रकार प्रबंधन के सभी चरण एक दूसरे से संबंधित है और लक्ष्य की सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित भी है। तो ये जो भी लक्ष्य, जो भी ये चरण है प्रबंधन के, जैसे ये नियोजन है, संगठन है, मूल्यांकन है, जो भी ये क्रियान्वयन है, ये सभी आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो सकता।
ये कुछ गतिविधि दे रखी है। अब यहाँ एक फॉलो चार्ट में समझा रखा है, यानी नियोजन, नियोजन के बाद में उसका आयोजन किया, आयोजन यानी कि हमने उसका संगठन, संसाधनों का संगठन किया, फिर उसका कार्य किया, क्रियान्वयन किया, क्रियान्वयन के बाद में उसका मूल्यांकन किया। अब मूल्यांकन हो गया, फिर दोबारा उसी तरह का कोई कार्य हमने आरंभ किया तो फिर वापस नियोजन करेंगे, फिर हम आयोजन करेंगे, यानी फिर उसका नियोजन करने के बाद फिर उस कार्य को हम करना शुरू करेंगे, हमारी गतिविधि चालू करेंगे, फिर हम उसका क्रियान्वयन करेंगे और फिर मूल्यांकन करेंगे। आइए इन चरणों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो देखो, पहला है चरण यानी नियोजन करना। हाँ, नियोजन करना यानी चरण पहला क्या है, नियोजन। तो नियोजन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इस चरण में पहले से विचार किया जाता है कि हमें क्या कार्य करना है। योजना बनाने का एक साधारण तरीका यह है कि किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार कर लें, क्योंकि कुछ कार्यों को पहले किया जाना होता है और कुछ कार्यों को बाद में, इसीलिए उन्हें आवश्यकता के अनुसार क्रम में निर्धारित किया जाता है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको पहले करना होता है और कुछ कार्यों को बाद में। आपके रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए आपके परिवार द्वारा बनाई गई योजना की जाँच कीजिए। आपके माता पिता ने सर्वप्रथम उन कार्यों की सूची तैयार की होगी जो उन्हें करने हैं, यानी पहले वो कार्य किए जाते हैं जो उनको पहले करने होते हैं। उसके बाद उन्होंने उन कार्यों का चयन किया था जिन्हें अन्य दूसरे कार्यों से पहले किया जाना था। उदाहरण के लिए, आपके माता पिता ने सर्वप्रथम बैठकर बैंक जाकर पैसे निकाले, तो सबसे पहले कार्य क्या है, पैसे निकालना। उसी के बाद वो कपड़े खरीद सकते हैं, उसके बाद ही वो टिकट बना सकते हैं, और रेलगाड़ी का आरक्षण करवाने की योजना बनाई थी। इसके साथ ही उन्होंने उन कार्यों का क्रम भी निर्धारित कर लिया था जो उन्हें बाद में करने थे। इसके अतिरिक्त परिवार ने यह भी निर्णय लिया था कि यदि रेल का आरक्षण उपलब्ध नहीं होगा तो उन्हें किस वैकल्पिक स्थिति को यात्रा करनी है। इसे लचीला या वैकल्पिक योजना कहते हैं, यानी कि हमारी योजना में कुछ परिवर्तन हो गया, अगर ये नहीं होगा तो हम ये इस तरह से इस कार्य को करेंगे, तो वो क्या कहलाए, वैकल्पिक योजना। नियोजन महत्वपूर्ण क्यों है, जी हाँ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी योजना पर क्रियान्वयन आरंभ करने के पश्चात किसी भी कार्य को भूलें नहीं। इस प्रकार नियोजन का अर्थ है गतिविधियों की सूची बनाना, कार्य को करने का क्रम निर्धारित करना तथा परिस्थितियों में परिवर्तन से निपटने के लिए लचीलेपन का स्थान उपलब्ध कराना। तो नियोजन, योजना पर क्रियान्वयन आरंभ करने के पश्चात किसी भी कार्य को भूलें नहीं, यानी इस प्रकार नियोजन का अर्थ क्या हुआ कि गतिविधि की सूची बनाएं, कार्य को करने का क्रम निर्धारित करें, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम उसके बाद में होगा, तथा परिस्थितियों में परिवर्तन से निपटने के लिए लचीलेपन का स्थान उपलब्ध कराएं। अगर वो परिस्थिति ऐसी आ गई है कि मान लो उस कार्य को हम उस समय नहीं कर पाए, यानी कि हो सकता है रेल का टिकट ना हो, तो फिर हमें तुरंत बस का टिकट करना पड़ेगा, तो इस तरह से हमें उस कार्य में लचीलापन भी, अपने योजना में परिवर्तन के लिए कुछ लचीलापन के लिए स्थान उपलब्ध करवाना होगा। तो ये कुछ गतिविधियाँ दे रखी है जो हमने पढ़ा, जैसे कि प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाया तो हमने पढ़ा था, जैसे कि नियोजन है, फिर क्रियान्वयन है, फिर नियोजन के बाद संगठन है, क्रियान्वयन है और मूल्यांकन है। तो ये इस तरह से बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ये गतिविधि दे रखी है कि आपको पहले क्या क्या करना पड़ेगा, ये आप आराम से कर लोगे। अब है संगठन, दूसरा चरण है संगठन। तो संगठन के अंतर्गत क्या होता है, जब आप योजना बनाते हैं तो आप तय करते हैं कि किसे क्या करना है। तो संगठन में आपने एक योजना बना ली इस कार्य को करने की, यानी शादी में जाना तो ये कार्य हमने करना है, ये हमारे घर में शादी है तो हमें ये कार्य करना है। तो ये तो क्या बनाया आपने, एक योजना। अब इस योजना को पूरा करने के लिए आप संगठन में क्या होगा कि किसे क्या करना है, आप अलग अलग काम सबको सौंपोगे, गतिविधियाँ कैसे करनी है, गतिविधियाँ कब करनी है, आप ये भी तय करते हैं कि आपको अपनी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए क्या चाहिए, यानी क्या साधन आपको चाहिए। इसके लिए जो साधन, संसाधन चाहिए वे है मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन में जैसे कि ऊर्जा है, कौशल है, जो समय है, और गैर मानव संसाधन धन है, भूमि है, पूंजी है, इस तरह से आपको चाहिए। क्या आपको याद है कि मानव संसाधन तथा गैर मानव संसाधन क्या है, आपको अवश्य याद होगा। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा, मानव संसाधन यानी वे संसाधन जो मानव के स्वयं के होते हैं, जैसे कि समय है, ऊर्जा है, कौशल है, है ना, ये सभी क्या मानव संसाधन के अंतर्गत आ गया, यह ज्ञान है। और गैर मानव संसाधन में धन है, पूंजी है, भूमि है, जो हम एक से दूसरे को स्थानांतरित कर सकते हैं। आइए पीछे दिए गए उदाहरणों को पुनः देखें। जब आपके पिताजी यात्रा पर जाने के लिए तैयार योजना बना रहे थे, उन्होंने तय किया था कि वे टिकट खरीदने के लिए चपरासी को स्टेशन भेजेंगे तथा उन्होंने टिकट की जिम्मेदारी अपने चपरासी पर डाल दी थी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दूसरे की मदद ली जाए। जब आप अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं तो आप सारा कार्य स्वयं ही करना चाहते हैं, इसलिए यह तय करने के बाद कि कौन क्या काम करेगा, आप भोजन पकाने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित करने की तैयारी करते हैं। ये सभी गतिविधियाँ जिम्मेदारियाँ तय करने की, संसाधन जुटाने आदि प्रबंधन का दूसरा चरण है। दूसरे को काम बताने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसे वे करने को तैयार है, यानी अगर उस संगठन में हमने दूसरे को कार्य बताया है तो हमें देखना है कि वो उस कार्य को करने को तैयार है, या उसमें उसे करने की योग्यता है या नहीं, या उसके पास उसे करने का समय है या नहीं।
क्या आप सोच सकते हैं कि यदि आप किसी को काम बताते हैं तो उसको करने का इच्छुक या योग्य नहीं है तो क्या होगा? अगर उस कार्य को करने का वो व्यक्ति इच्छुक ही नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा यदि आप एक अति व्यस्त व्यक्ति को अपने लिए कुछ करने के लिए कहे? जी हाँ, आप सही है, यानी वो समय पर कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य या तो होगा नहीं, और नहीं होगा तो यदि होगा तो सही तरीके से नहीं होगा। इससे आपकी योजना अधिक सफल नहीं हो पाएगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संगठन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। संगठन का अर्थ एक योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना तथा आवश्यक संसाधनों को एकत्रित तथा संयोजित करना है। तो संगठन का अर्थ क्या हुआ कि एक योजना को क्रियान्वित करने के लिए, यानी उस कार्य को जो भी योजना आपने बनाई है उसको करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, यानी क्या क्या कार्य उसको करने हैं, क्या क्या उत्तरदायित्व उनके रहेंगे उसको निर्धारित करना है, तथा आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करना तथा संयोजित करना है। संगठन सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य पूरे हो, कार्य का समान वितरण हो, यानी कार्य सभी में समान रूप से बांटा जाए, समय की बचत हो। इसका अर्थ है कि कार्य को दो या अधिक व्यक्तियों में बांट देने से समय की बचत होती है। चूंकि एक से अधिक व्यक्ति उस काम को करते हैं इसलिए सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं, और एक व्यक्ति पर ही अधिक बोझ नहीं होता है, अतः ये कार्य का सही वितरण है। तो विद्यार्थियों, आपको जो है वो नियोजन और ये संगठन के बारे में समझ में आ गया होगा कि नियोजन यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसकी एक योजना बनाना होता है, और संगठन यानी उस कार्य को करने के लिए हमें संसाधनों को एकत्रित करना होता है, वो चाहे मानव संसाधन हो या गैर मानव संसाधन। अब हम देखते हैं क्रियान्वयन। क्रियान्वयन में होगा कि जो भी आपने योजना बनाई है, जो भी उस योजना को पूरा करने के लिए आपने जो भी संसाधनों का संगठन किया है, संसाधन इकट्ठे किए हैं, चाहे वो जैसे मानव संसाधन हो या फिर गैर मानव संसाधन हो, अब आप उन संसाधनों को लेते हुए आप क्या करोगे, उस कार्य को करना शुरू करोगे, यानी आप क्रिया करना शुरू करोगे। चरण एक में आपने विवाह के समारोह में शामिल होने की योजना तैयार की थी। मान लीजिए कि विवाह की योजना तैयार हो गई है और लोगों को कार्य बांट दिए गए हैं, किंतु इन कार्यों को वास्तव में पूरा किया जाना है, इसे क्रियान्वयन कहते हैं। क्रियान्वयन को योजना पर कार्यवाही किए जाने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो क्रियान्वयन वह योजना है जो कार्यवाही किए जाने के रूप में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक विशेष व्यंजन को किस प्रकार बनाते हैं और परोसते हैं, इसकी योजना को पूरा करने के लिए की जाने वाली गतिविधि क्रियान्वयन के चरणों में आती है। आपको एक विशेष प्रकार की व्यंजन बनाना है, उसको आप बनाते हो, फिर उसको परोसते हो, तो ये सारी गतिविधियाँ किस में आएगी, क्रियान्वयन के चरण में आएगी। क्रियान्वयन का अर्थ है पहले से नियोजित तथा संगठित कार्य को वास्तव में किया जाना। तो अब पहले तो आपने एक दिमागी रूप से योजना बनाई थी, कहीं लिखित में योजना बनाई थी, आपने संसाधनों को इकट्ठा किया था, अब आप वास्तव में उस कार्य को करना शुरू करोगे। योजना पर कार्यवाही आरंभ होने के पश्चात आपको भी योजना के प्रगति की जाँच करनी होती है। अब योजना पर आपने कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस प्रगति की जाँच करोगे। अब आप ऐसा करते हैं तो कई बार परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। जब आप कार्य करना शुरू करते हैं तो कई बार होता है कि जैसी योजना हमने बनाई है उसमें भी हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, जिसके कारण आपको नए सिरे से निर्णय लेने होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने रेलगाड़ी से यात्रा करने का निर्णय लिया है और परिवार के सभी सदस्यों को रेल का आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप ये निर्णय ले सकते हैं कि सभी सदस्य बस से यात्रा करेंगे, या सभी सदस्य सड़क से यात्रा करेंगे, या केवल माताजी या पिताजी ही यात्रा करेंगे। इस प्रकार एक योजना को पूरा करने या उसे क्रियान्वित करने के लिए आप अपने कार्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार फेरबदल कर सकते हैं। अगला है चरण मूल्यांकन। अगला चरण चौथा है मूल्यांकन, यानी हमने नियोजन पढ़ा, उसके बाद में संगठन पढ़ा। नियोजन यानी कि कार्य की योजना बनाना, कि कार्य को कैसे करना है। संगठन यानी उस कार्य को करने के लिए हमें संसाधनों को इकट्ठा करना है, जिसमें मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन में आएगा। क्रियान्वयन यानी जो योजना हमने बनाई है और जिस योजना को करने के लिए हमने जो संसाधन इकट्ठे किए हैं, अब उसके आधार पर हमें कार्य करना शुरू करना है। अब है मूल्यांकन, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए भी हमें मूल्यांकन करते रहते कि नहीं, ये कार्य ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें इस तरह से बदलाव आएगा तो ये और भी बेहतर होगा, ठीक है। या फिर कार्य पूरा हो गया उसके बाद में हमने मूल्यांकन किया बैठ कि हमारे इन कार्य में क्या क्या कमी रह गई, हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते थे, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ताकि आने वाले कभी भी समय में आप उस तरह का कोई कार्य करो तो वो दोबारा गलती आप ना करो। तो मूल्यांकन में हम देखते हैं योजना का क्रियान्वयन हो जाने के पश्चात आपको प्रबंधन के चरणों की जांच करनी होती है। ये देखना होता है कि कौन से काम सही हुए और
कहाँ गलतियाँ हुई। मूल्यांकन से तात्पर्य है अपनी योजना की क्रियान्वयन में कमियों की जांच करना, यानी जो भी आपने योजना बनाई है उस कार्य को आपने करना शुरू कर दिया, गतिविधि कार्य को वास्तविक रूप से करना शुरू किया तो उस कार्य में आपकी क्या कमी आई तथा आवश्यकता अनुसार उन कमियों को सुधार करना। उदाहरण के लिए आप अपने परिवार के लिए भोजन पकाते हैं, भोजन के पक जाने के पश्चात आप उसे चखते हैं, आप ये भी आकलन करते हैं कि क्या परिवार के सभी सदस्य इसे अच्छी तरह से खा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अवलोकन कर रहे हैं कि भोजन अच्छा बनाया नहीं, तो उस समय आप क्या कर रहे होते, आपने मूल्यांकन कर रहे होते कि भोजन अच्छा बनाया नहीं। आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि आप अपनी खामियों को जान सके और उनमें सुधार कर सके, जिससे कि भविष्य में उन कमियों को दूर किया जा सके। इसीलिए मूल्यांकन का कार्य योजना की समाप्ति पर किया जाता है, यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक चरण का प्रबंधन सुव्यवस्थित रूप से किया गया है, हमें प्रत्येक चरण अथवा नियोजन संगठन क्रियान्वयन स्तर पर भी मूल्यांकन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चूँकि आप निरंतर अपने कार्य का मूल्यांकन करते हैं, आप अपनी योजना की खामियों को जान पाते हैं और इस प्रकार आप भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं तैयार करने के लिए प्रशिक्षित हो जाते हैं। अब आपको एक अच्छी सी ट्रेनिंग मिल जाती है कि आपको किस तरह से आगे भविष्य में एक अच्छी योजना बनानी है। तो यहाँ पर एक कुछ बता रखा है, जैसे कि नियोजन संगठन निर्णय लेना है ना, संगठन या निर्णय लेना है, मूल्यांकन है, क्रियान्वयन है और मूल्यांकन है, तो इनको आप शॉर्ट में भी इनको बताया गया है। जैसे कि नियोजन में क्या क्या आएगा, कार्य की सूची बनाना, जो भी काम आपको करना है उसकी सूची बनानी होती है, फिर है उनका क्रम निर्धारित करना यानी कि कौन सा कार्य पहले किया जाएगा, कौन सा कार्य बाद में किया जाएगा। दूसरा है संगठन या निर्णय लेना, यानी कौन क्या करेगा, ठीक है, कब करेगा और कैसे करेगा, ये किस में आ गया, संगठन साथ में इसमें संसाधन भी शामिल हो गए। तीसरा है क्रियान्वयन, अब उस कार्य को आपको वास्तव में करना शुरू करना है, यानी कि योजना की क्रियान्वयन करना। चौथा है मूल्यांकन करना, यानी क्या सही क्या गलत हुआ, सुधार कैसे किया जाए, ये सभी किस में आता है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रबंधन का एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी प्रबंधन की क्या हो गई, एक चक्रीय प्रक्रिया, यानी आप नियोजन करते हो, फिर संगठन करते हो, फिर क्रियान्वयन करते हो, फिर मूल्यांकन करते हो और फिर दोबारा उसी कार्य को दोबारा स्टार्ट करते हो, तो फिर दोबारा नियोजन करोगे, फिर प्लानिंग बनाओगे, फिर उसके लिए संसाधन इकट्ठा करोगे, कौन क्या कैसे कार्य करेगा वो आप सोचोगे, ठीक है, कब करेगा, ठीक है, और उसको किस तरह से किया जाएगा, और उसके बाद में फिर आप करना स्टार्ट करोगे उस कार्य को, यानी कि योजना को करना शुरू करोगे, फिर वापस उसका मूल्यांकन करोगे, तो इस तरह से एक चक्रीय क्रम इसका बनता है। इस प्रकार आप जानेंगे कि प्रबंधन एक प्रक्रिया चक्र है, यानी ये क्या है, एक प्रक्रिया चक्र जो चलती रहती है। नियोजन के कारण ही संगठन संभव हो पाता है और संगठन से ही क्रियान्वयन, जिससे आगे मूल्यांकन किया जाता है, यानी नियोजन करोगे तो संगठन संभव होगा, संगठन से ही आप क्रियान्वयन कर पाओगे और उसके बाद मूल्यांकन, और ये मूल्यांकन हमें भविष्य के लिए बेहतर योजना तैयार करने में सहायक होते है। तो ये जो मूल्यांकन है वो हमें भविष्य में अच्छी योजना बनाने में भी क्या होता है, सहायक होता है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें हमारी गलतियों का पता चलता है और हम उसमें सुधार कर लेते हैं। अब कुछ पाठागत प्रश्न दे रखे हैं। अब ये प्रबंधन के चरणों का परस्पर संबंध, तो हमने जो भी पढ़ा प्रबंधन के चरण हमने पढ़े, उसके आपस में क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, चलो देखते हैं। प्रबंधन के चरणों का परस्पर संबंध, जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो हमें सभी प्रकार की सामग्री, श्रम, धन तथा सरकारी अनुभूतियों का संगठन करना होता है। भवन के निर्माण के लिए विशिष्ट चरणों का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार में यदि एक भी चरण छूट जाता है तो अगले चरण का क्रियान्वयन प्रभावित होता है, यानी कि अगर हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो उसके लिए भी हमें ये सारे प्रबंधन के चरणों से गुजरना होता है। यानी पहले हमें योजना बनानी होती है कि हमें जैसे मकान का नक्शा बनाना, तो नक्शा बनाना क्या है, एक तरह से नियोजन करना ही तो है, किस मकान को इस तरह से बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर ये किचन होगा, यहाँ पर रूम होगा, तो ये तरह से क्या, एक तरह से योजना बनाना है। फिर साथ में फिर योजना तो बना ली हमने, एक नक्शा तैयार कर लिया हमने, एक मकान की सोच ली, लेकिन फिर उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, धन चाहिएगा, भूमि चाहिएगा, ठीक है, और फिर साथ में मटेरियल चाहिएगा, जो भी माल उसमें लगेगा, जैसे बजरी है, सीमेंट है ना, लोहे का और भी जो सामग्री है वो उसमें लगेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, जो नक्शा बनाए उसके आधार पर हम उसके लिए सामग्री शुरू इकट्ठा करना शुरू करेंगे, हम संसाधनों को संगठित करना शुरू करेंगे और फिर हम उस मकान को बनाना शुरू करेंगे। तो ये क्रियान्वयन के अंतर्गत आ गया। अब मकान बनाते हुए हमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आई कि नहीं, देखो ये किचन इधर ना होकर इधर होना चाहिए, है ना, या फिर सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो साथ में हम और कोई, जैसे कि आप पेंट वगैरह करवा रहे तो आपको कौन सा पेंट करना है, या पहले पेंट किसी और पेंट के बारे में, किसी और पेंट का कलर के बारे में सोचा था और अब आप किसी और कलर को करवाना चाहते हो, सोचा कि चलो ये और भी अच्छा सुंदर लगेगा, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, उस योजना में परिवर्तन कर रहे हो, क्रियान्वयन के दौरान या मूल्यांकन कर रहे हो।
तो ये सभी आपस में एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। अगर एक चरण छूट जाएगा दूसरा चरण सही से नहीं कर पाएगा, और ये भी हो सकता है कि अगला चरण क्रियान्विति हो ही ना पाए, यानी अगला चरण हो ही नहीं पाएगा। अगर आप योजनाएं नहीं बनाओगे तो आप संसाधनों को इकट्ठा नहीं करोगे। अगर संसाधन योजना तो बनानी लेकिन आपने संसाधन इकट्ठे नहीं किए, ठीक है, तो फिर आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार प्रबंधन के सभी चरण महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को बिना प्रबंधन के भी पूरा किया जा सकता है, यानी किसी भी कार्य को बिना प्रबंधन के भी पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं होते। हम बिना योजना के भी कोई काम शुरू कर सकते हैं लेकिन उसके जो परिणाम है ना वो अच्छे नहीं आएंगे। जितने की नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुसरण करने से प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए अपने वांछित लक्ष्यों को संतोषजनक स्तर के पहुंचाने के लिए प्रबंधन को सभी चरणों का होना अनिवार्य है। नियोजन का प्रत्येक चरण अन्य चरणों के बिना ये नींव के भवन की कल्पना कीजिए, यानी नियोजन के चरणों के बिना आप एक नींव के बिना आप जिस तरह भवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसी प्रकार आप एक अच्छे प्रबंधन के बिना आपके कार्य का अच्छा होने की जो है वो आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये सारे कार्य इसमें करने होते हैं। तो नियोजन का प्रत्येक चरण होता है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। नियोजन के पश्चात योजना को पूरा करने वाले संगठित करने की आवश्यकता, यानी नियोजन आपने कर लिया तो नियोजन के पश्चात आपको क्या करना होता है कि नियोजन के पश्चात आपको क्या करना पड़ता है, योजना को पूरा करने के लिए कुछ संसाधनों को संगठित करने की आवश्यकता होती है। संगठन का कार्य पूरा हो जाने के बाद उसको आप क्रियान्वित करते हो तथा मूल्यांकन का कार्य योजना को पूरा हो जाने या योजना के कार्य के दौरान ही आप किया जाता है। तो ये कुछ यहाँ बता रखा है। आप देख सकते हैं कि आप कोई भी गतिविधि करते हैं जब संसाधनों की को संगठित नहीं करते हैं, संगठित किए बिना अगर आपने संसाधन संगठित नहीं किया है तो आपका क्रियान्वयन संभव नहीं है, और गतिविधियों का मूल्यांकन किए बिना आप अपनी गलतियों को भी नहीं सुधार पाते ताकि उन्हें भविष्य में न हो पाए। अगर आप जब तक कार्य को नहीं करोगे तो आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाओगे क्योंकि आपने मूल्यांकन नहीं किया, और आप गलतियों को नहीं सुधारोगे, आपको गलतियों का पता ही नहीं चलेगा तो भविष्य में आप उसमें सुधार भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधन के सभी चरणों का एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है और ये चरण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। प्रत्येक चरण में श्रृंखलाबद्ध रूप से निर्णय लेने होते हैं, यानी हर चरण में चाहे नियोजन हो, चाहे संगठन हो, या फिर क्रियान्वयन हो या मूल्यांकन हो, सभी में एक अच्छे से निर्णय आपको लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, जिसके बिना इस चरण को पूरा करना संभव नहीं हो पाता। प्रबंधन के प्रत्येक चरण पर व्यक्ति को कार्यों के संबंध में निर्णय लेना होता है, यानी प्रबंधन के प्रत्येक चरण में आपको कार्य के संबंध में निर्णय लेना होता है। मान लो आपने संगठित तो कर लिया, अब क्रिया संगठित में आप ये सोचते हो संसाधन उपलब्ध है, आप सोचो किसको मैं क्या कार्य दूँ, कौन व्यक्ति इस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएगा, ठीक है, इस कार्य को कब शुरू करना है, तो ये सभी संगठन के अंतर्गत आ गया। अब क्रियान्वयन करते हो तो किस योजना अनुसार आप कार्य करते जाते हो, साथ में ये निर्णय भी लेते हो कि अगर ये कार्य इस तरह से सही नहीं हो रहा, इसको इस तरह से करने से बेहतर होगा, तो उसी तरह से आप उस कार्य को करते हो और साथ में उसमें आवश्यक परिवर्तन भी करते हो। इस प्रक्रिया को नीति निर्धारण कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि नीति निर्धारण किसे कहते हैं? तो प्रबंधन के प्रत्येक चरण पर व्यक्ति को कार्यों के संबंध में निर्णय लेना होता है और यदि आवश्यकता हो उसमें परिवर्तन भी करने होते हैं। इस प्रक्रिया को नीति निर्धारण कहते हैं। अब ये कुछ गतिविधि दे रखी है। अब ये पाठागत प्रश्न है, संगठन महत्वपूर्ण क्यों है? आपका भाई अपनी बेटी के पहले जन्मदिन को मनाने के लिए एक पार्टी का आयोजन करना चाहता है। इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों तथा संसाधनों की सूची तैयार कर। ये सारे अप्लाइड क्वेश्चन हैं जो आप दिन प्रतिदिन के अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में करते हो, आप आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा उसको हम एक शॉर्ट समरी रूप में देखते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस पाठ के मुख्य बिंदु यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों को संसाधन कहते हैं। जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने के लिए जो साधनों का प्रयोग किया जाता है वो संसाधन कहलाता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम उपलब्ध संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रयोग करके आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रबंधन संगठन तथा नियंत्रण की वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया के चार चरण होते हैं और ये चरण जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब इसमें चरण भी बता रखे हैं। पहला है नियोजन, जिसमें आपको ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रख लोगे तो आप आराम से कोई भी उदाहरण लेते हो, आप क्वेश्चन जो एग्जाम क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप आराम से लिख सकते हो। पहला है नियोजन, इसमें क्या करते हैं, कार्यों की सूची बनाना, उसका क्रम निर्धारित करना, यानी कार्य की सूची बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा कार्य हमें पहले करना है और कौन सा कार्य हमें बाद में करना है। तो हम क्या करते हैं, कार्यों की क्रम भी निर्धारित करते हैं।
अगला है संगठन करना। संगठन में हम ये निर्णय लेते हैं कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसके लिए साधन हमें क्या चाहिए होते हैं। क्रियान्वयन यानी कि योजना को क्रियान्वित करना, यानी कि वास्तविक रूप से उस कार्य को करना शुरू करना। अगला है मूल्यांकन, क्या सही है, क्या गलत है और सुधार कैसे किया जाए, ये सभी बातें मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तो विद्यार्थी उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, ठीक है। आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी इस लेसन को दोबारा पढ़िएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, और कुछ समस्या है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, पसंद आया तो उसको लाइक करें, और नए हो आप इस चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे और साथ में बेल आइकन का वीडियो जो बेल आइकन जो होता है घंटी वाला आइकन साथ में दिया गया है सब्सक्राइब वाले बटन के पास में, उसको आप दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।